हिंदुस्तान के किसी भी इंडियन कॉफ़ी हाउस में चले जाओ आप, जो वाइब्स हैं वो एक हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मैसूर हो या पुडुचेरी हो या कोलकाता हो, सब जगह का सेम है। हिंदुस्तान में लगभग 400 से ज़्यादा नेटवर्क है, ब्रांचेस है आजकल। अच्छा, अब खाना के यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वो नॉन वेजिटेरियन सेक्शन है, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है, मिक्स है। तो हम दोनों मिक्स खाने वाले हैं या फिर सिर्फ नॉन वेज खाने वाले हैं या सिर्फ वेज खाने वाले हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वेजिटेरियन सेक्शन में आपको 7 नॉन वेजिटेरियन सर्व करता है, जो उनका किचन का कुछ फैसिलिटी ऐसा है अरेंजमेंट, वो जो किचन बनाना वाला जो है और उसका सप्लाई के लिए। बट वो नॉन वेजिटेरियन एरिया ना, तो आप प्योर प्योर नॉन वेज, प्योर नॉन वेज है और ये मिक्स है वेज नॉन वेज, इधर हमको फ्रेंड को लेके आ सकता है। जबकि होना, जबकि होना चाहिए ऐसा कि प्योर वेजिटेरियन अलग होना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा था बट बाद में इन्होंने वैसा कर दिया। ऐसा था ये वाला ब्रांच में भी प्योर वेजिटेरियन था, बट बाद में इन्होंने ये भीड़ है ना उसके हिसाब से, मतलब जो रिक्वायरमेंट आते थे, डिमांड आते थे, उसके हिसाब से कटलेट। यहाँ कॉफ़ी जो है ना, इंडियन कॉफ़ी हाउस का, कहीं भी चले जाओ, क्योंकि नॉर्मल कॉफ़ी ये बनाते हैं ना, मुझे पसंद नहीं आता पर्सनली। मतलब आपका चॉइस है। हाँ, एक स्पेशल कॉफ़ी ये लोग बनाता है वो थोड़ा सा फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन जो ये कॉफ़ी आता है ना कॉफ़ी हाउस का, जो बस में लगता है जो स्पेशल है वो है यहाँ का वाइब। यहाँ पर आना, चर्चा करना, बातचीत करना, वो है। और आके डोसा खाया और रीजनेबल रेट पे खाओ, वो लगता है मुझे वो है। सोसाइटी के हर सेक्टर का लोग यहाँ आएगा, वो उसका डिस्कशन करते हैं और उसका इवनिंग स्पेंड करते हैं, चाय भी पीते हैं, फैमिली भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। मतलब ये सही है आप जो कह रहा हूँ, यहाँ का एक वाइब है बस, वो कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में वो एक। एक जगह का मुझे अच्छा लगा था, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो पौंडीचेरी था, वहाँ पे मैंने कॉफ़ी हाउस में बहुत अच्छा कॉफ़ी पिया था, मतलब बेस्ट कॉफ़ी पूरे इंडिया में सबसे अच्छा किसी कॉफ़ी हाउस में पिया है मैंने, तो वो पौंडीचेरी में पिया है। और सेकंड फिर एक और जगह है आपका केरला में ही, नियर टू जहाँ पे हाउस बोट्स होता है आपका, नहीं और बताओ, कुमारकम, उसके पास में भी कहीं रास्ते में मैंने रुक के पिया था, कोई छोटा शहर था, देखो नाइस। खैर, पूरा वॉल आर्ट वगैरह बनाया हुआ है, बिल्कुल कलारी पेट है ना, और थैयम, थैयम और हैंडलूम, हैंडलूम कन्नूर हैंडलूम के लिए भी मशहूर है, हैंडलूम है ना। हाँ, वीविंग, तो ये तीनों चीज़ के लिए कन्नूर जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तीन चम्मच से खाओगे क्या? चम्मच हटाओ। डायलॉग अपना डायलॉग भूल जाएंगे इसलिए बोल रहे, शुरू करो। होता है, होता है, मेरे साथ भी होता है। ये है वेज कटलेट, जो इसका बेस है वो आलू और बीट रूट है ना, और कटलेट, वेज कटलेट भी है, मटन कटलेट भी है, इनके पास दोनों ही है। चिकन है, चिकन भी है, दूसरा ऑप्शन चिकन का कटलेट भी है, और साथ में ये सॉस है। आपको बहुत पसंद है। सही है ना? हाँ सही है। ये टोमेटो सॉस नहीं है, ये जिंजर का फ्लेवर इसमें आ रहा है, अदरक का, और जो कटलेट है बहुत सॉफ्ट है, मुलायम, शायद का खुश हुए कटे खा के हैं। यस, बचपन से ही, मतलब खाना जो है लोगों को खुश कर देता है, अब इनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है इस कटलेट से। कॉफ़ी भी आ गया। और आपने चाय मंगवाया है, और चाय हर जगह मिलता है हर कॉफ़ी हाउस में? नहीं, मुझे कॉफ़ी हाउस का चाय थोड़ा पसंद है। ठीक है, कॉफ़ी नॉट सो गुड, नॉट सो बैड,
अच्छा, हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए हैं, आपने हमें इसका इतिहास भी बताया कैसे शुरुआत हुआ कोऑपरेटिव सोसाइटी का। मेरा एक सवाल है कि लेफ्ट पार्टीज़ का केरला के खान पान में क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे ये सवाल से एक मलयालम मूवी है, बहुत पॉपुलर है, उनका एक सीन याद आ रहा है। उसमें ऐसा था, मूवी का नाम है संदेशम, मतलब मैसेज। उसमें एक सीन है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक मीटिंग, मतलब गुफ्तगू चल रहा था। तो मीटिंग के बीच में एक दुकानदार, मतलब नीचे होटल चाय का दुकान चलाते हैं, वो चाय और उसके साथ केला लेके आ रहे थे उस सीन में। तो ये जो मीटिंग का हेड होता है, चेयर होता है उस सीन में, वो उन्होंने बोला कि क्या लेके आए आपको, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का, हमारा जो पार्टी है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर पार्टी, हमारा पार्टी का ये नहीं पता है, हमारा यूनिक है कटम चाय, मतलब ब्लैक टी के साथ परिपोड़ा ही हम कहते हैं। परिपोड़ा इज अ चेहरा है, मतलब पार्टी का एक वो है। ऐसे एक पॉपुलर मूवी में एक सीन क्रिएट हो रहा है, तो उनको भगाया जाता है वहाँ से, उस सीन से जो केला लेके आए थे। तो उन्होंने बोले नहीं वो नहीं मिला, आज ये नहीं मिला, नहीं नहीं कहीं से भी लेके बन के आओ, मतलब एक मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का जो का कॉन्ट्रीब्यूशन जो पूछा है, तो मुझे ये याद आया। बिल्कुल, आपका जवाब एकदम प्रोग्रेसिव है। मैं क्या और क्या बोलूँ, मतलब हम इतना काफ़ी हमें समझ गया कि पार्टी भी बदल रही है, हैं? पार्टी तो बहुत ट्रांसफॉर्म कर चुका है। चलिए इसी नोट पे हम लोग अपना चाय पीते हैं। मुंडू बोलते हैं ना इसको, मुंडू। ये आ जाएगा मेरे को? आ जाएगा, ये नॉर्मली यही है, मतलब ये खादी का है। हाँ, खादी हैंडलूम, कन्नूर का जो मशहूर है। ऐसे बंद है ना? ऐसा नहीं, बांधने का तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं सुबह करवाऊंगा। करवाएंगे सुबह। हाउ मच? 200। अब इनके यहाँ तो काफ़ी अलग तरह का स्नैक्स भी है, मेरे को ये देख रहा हूँ, ये क्या है? इलांदा वड़ाई, स्वीट, इसमें जैगरी, चिली पाउडर, हींग। ये इलांदा क्या होता है? इमली टाइप टेस्ट, खट्टा। हाँ, थोड़ा सा। अच्छा, ये इतना बड़ा सा क्या है? एक ले लो फिर। तली परम्बा मूर्ग, ये दाल का होता है, परिपू राइस। अरिंडन है, अरिमूर्ग अरी राइस, राइस अड़ी, ये भी थोड़ा पॉपुलर है सब लोग। चुक्कपम राइस, ये भी राइस, राइस एक ये ले लेता है, इलंदा वड़ाई, फिर चुक्कपम और मुरुक, बिग साइज मुरुक। यस, थैंक यू नन्नी। तो मैम एक यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रिंक बना रही है, जिसका नाम है पालूदा। पालूदा और पाल मतलब मिल्क होता है, हाँ? और इसको इस गाय के दूध में इलायची पाउडर है, थोड़ा सा गाय का घी है, शक्कर है और थोड़ा सा मैदा है, एज अ थिकनर, और रोज वाटर, नमक भी। ये जब बहुत पुराना हम बचपन से देख रहे हैं, अभी नहीं, पर एक जमाना था, अभी बहुत ड्रिंक्स आ गया, कूल ड्रिंक्स आ गए, ये आ गया, वो आ गया, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त बस जो भी आता ना शादी के घर में, जो पहले कदम रखते हैं, ये ग्लास दे दे, इसमें एक ग्लास देते हैं हर आदमी को, ये नमक, रोज वाटर खुशबू आ जाएगा।
भाई हमेशा हॉट सर्व किया जाता है, गरम गरम, ठंडा नहीं पीते, ठंडा नहीं, ठंडा इसका मज़ा ही नहीं। फुल ऑन फैट के साथ अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा है। तो आपका कुकिंग में कैसे इंटरेस्ट आया? इसका बाप जो है ना, बाप शेफ। अच्छा, कतर, कतर जो पैलेस है ना उधर, उधर का जो किंग है अमीर, अमीर उसका शेफ था। और होम शेफ भी हैं, मतलब केटरिंग जब आप कहते हैं तो वेडिंग केटरिंग, स्मॉल पार्टी सब कुछ करते हैं। स्मॉल पार्टी हाउसफुल में आप बनाते हैं? क्या बोलते हैं इसको? किन्नपत्री। तो ये स्टीम्ड होता है? तो ये किन्नप पत्थरी है और जो इसका बैटर बनता है वो कईमा राइस से बनता है। उसके बाद फिर उसको ग्राइंड करते हैं, कोकोनट मिल्क मिलाते हैं, उसके बाद इसको स्टीम कर लेते हैं, ऊपर में घी डाला हुआ है। इसको खाते हैं, किसी भी करी के साथ खा सकते हैं, चाहे वो चिकन करी हो या फिश करी हो या फिर मटन करी हो, जो भी। चिकन कोकोनट पेपर रोस्ट और ये किन्नप पत्थरी। ये बिल्कुल टेक्सचर इसका स्लाइमी टाइप है। वेरी टेस्टी। पेपर का बहुत अच्छा फ्लेवर है और क्रीमी भी है। वाह, ये किन्नपत्ति हो गया। अभी एक आनापत्री, आनापत्री अभी आएगा दूसरा। इस मतलब वो भी बनाया है आपने? बनाया। तो ये नॉर्मल घरों पे बनता रहता है या कोई स्पेशल ओकेजन में बनता है? ये घरों में बनाता है, जो नया दुल्हन घर पे आ गया, समझो हमारा घर पे शादी हो गया। इधर कन्नूर, ये कन्नूर डिस्ट्रिक्ट का रिवाज है, लड़का लड़के का घर में रहेगा। वो बताया आपको? जी जी हाँ बताया। हाँ, वो लड़का घर में रहता है ना, नया नया दुल्हन, वो आता है, स्पेशल स्पेशल डिश एक एक दिन में बना के 40 दिन तक खिलाते रहते हैं, 40 डेज तक होता है ना वो, बाद में इतना मोटा हो जाता है। ऐसे एक एक अभी उसमें एक डिश ये है और एक खाना पत्री अभी दिखाएगा आपको। तो पत्री मतलब राइस पैनकेक का जो बन गया वो पत्री होता है। और पत्री का कितना वैरायटी है, मतलब अनलिमिटेड है। मैं पता नहीं अभी तक याद नहीं है कितना पत्री खा लिया, इलायची पत्री, चट्टी पत्री, सब खाया है। अभी आपको दिखा रहा है कन्ना पत्री और नरपत्री है, नरपत्री मालूम है? वो भी कईमा राइस से बनता है, वो पतला होता है बिल्कुल, डोसा ना ऐसा होता है, टिश्यू वाला, टिश्यू का जैसा, टिश्यू पेपर जैसा। वो भी खास। तो आपको याद है कि आपका जब शादी हुआ था तो आपको क्या क्या खिलाया था? अभी भी मैं खाता रहता हूँ, ये बनाता रहता हूँ। जब इधर आ गया बस 2-3 महीने होता है, सब अच्छा खाना खा लेते, फिर 1-1.5 साल उधर। आपका फेवरेट डिश कौन सा है? मेरा फेवरेट डिश है सादा चावल है ना, मोटा चावल, उसके साथ बीफ करी। आपका? तो आप जब इतने दिन बाहर रहते हैं तो घर का खाना मिस करते होंगे? तो वहाँ पे कैसे करते हैं अपना खाना का अरेंजमेंट? मैं खुद बनाते हैं वहाँ पे। तो मसाला वसाला यहाँ से ले जाते हैं?
नहीं नहीं उधर मिल जाता सब मिल जाता है इधर जो मिलता सब उधर मिलता है पहले का जैसा नहीं हम्म मलयाली बहुत है वहाँ पे है ना मिनी केरला है वहाँ पे ये खास क्या है मालूम है अरब लोग है ना अरब लोग का ज्यादा पसंद केरला का आदमी आप लोगों का तो पुराना एक कनेक्शन रहा है अरब लोगों के साथ में बहुत पुराना शायद कंट्री फूड का हमें लगता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं होगा यहाँ पे जहाँ से लोग एक ना एक परिवार का सदस्य यूएई में ना हो यूएई में नहीं तो ओमान में होगा नहीं तो कुवैत में होगा नहीं तो सऊदी कहीं भी जीसीसी में होगा है ना सही चलिए लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ से यहाँ पे उतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर वहाँ पे इनकम ज़्यादा है इसलिए लोग जाते हैं क्या रीज़न है पहली बात तो अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल पढ़िए जिधर बच्चा लोग पढ़ के तालीम वो ख़त्म करके हमारा बच्चा लोग भी ऐसे बैठा हुआ है क्या करेगा जिधर भी जाएगा काम नहीं है काम नहीं है काम नहीं है तो तनख्वाह भी देना देते पगार भी बहुत कम दिया फायदा नहीं है उधर जाएगा पगार अच्छा मिलता है जॉब अच्छा मिलता है लेकिन घर मिस करते हैं अपना परिवार को मिस करते हैं लेकिन क्या करेगा घर वाले के लिए तो एक ना एक तो जाना पड़ता है तो आप कितने कितने दिनों में घर पे आते हैं कभी एक साल कभी डेढ़ साल अगर कोई खास ज़रूरी बात है तो बीच में आ जाते हैं ऐसे ज़्यादा से आदमी एक साल में एक महीने की छुट्टी मिलता है एक महीने का इकट्ठे एक साथ ले लेते हैं नहीं मिलता ही नहीं देखा मिलता ही नहीं है नहीं एक साल पूरा हो गया उसको 30 days अलाउड है छुट्टी ऐसा एक रूल्स है उधर अगर दो साल हो गया दो महीना है ऐसा चलिए ये बहुत टेस्टी बना है तो डिश का नाम बताएंगे फिर से क्या डिश बना आनपत्री और ये राइस फ्लावर है और प्याज और सौंफ जीरा सौंफ दोनों हैं नहीं सौंफ बड़ा जीरा हम लोग बड़ा जीरा बोलते हैं इसको अच्छा यानी सौंफ को सिर्फ सौंफ है अब ये राइस फ्लावर में सॉल्ट डाल रहे हैं नमक और ये जो प्याज और सौंफ पीसा है इसको डालना है अब इसका डो बना लेंगे राइस फ्लावर का ना तो इसको आपके कन्नूर में बोलते हैं आनपत्री और थलसेरी साइड में बोलते हैं कक्का रोटी और कक जो वर्ड है वो छोटा शेलफिश होता है उसके नाम से आया तो जो इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया गया है वो बॉयल्ड राइस है चोटेरी अब इसको स्टीमर में स्टीम किया जाएगा ये बन के हो गया तैयार ये आनम है चिकन आनम इसके साथ मिक्स कर रहा आना बदरे आनम में आन पत्री डाल रहे हैं महफिल जम रही है शियात का अभी हमें गजल सुनाएंगे जगजीत सिंह जी की ऐसे नहीं दो लाइन सुनाएंगे चलिए झूम को जब रिंदों ने पिला दी झूम को जब रिंदों ने पिला दी झूम को जब रिंदों ने पिला दी शेख ने चुपके चुपके दुआ दी शेख ने चुपके चुपके दुआ दी
एक कमी थी ताज महल में, एक कमी थी ताज महल में, हमने तेरा तस्वीर लगा दी, हमने तेरा तस्वीर लगा दी, झूम को जब रिंदों ने पिला दी, झूम को जब रिंदों ने पिला दी। बहुत जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढाया हो वही गीत में तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। बहुत सुरीली आवाज आपकी, बहुत मतलब आवाज भी इतना, हाँ बहुत सुरीली आवाज है उनका। मतलब ये देखिए कि हिंदी में उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन म्यूजिक ऐसी चीज है इसका कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो हमारा सबसे फेवरेट जो है पूरा हिंदुस्तानी है। मैं सब हर दिन रात में कोई ना कोई हिंदुस्तानी सुनते हैं, मतलब ज्यादा ज्यादा प्यार चुपके चुपके रात दिन। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। वाह क्या बात है, तो सही में मैसेज जम गई। इट्स रियली मेड ऑफ डे। और लाइफ में क्या चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा म्यूजिक, अच्छे लोग हैं। तो जब केरला फ्राइड चिकन बोलते हैं तो उसके मसाला में क्या जाता है? जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस। इसको तवा पे सेका है? इसमें तवा पे नहीं, फ्राई पैन है, फ्राई पैन में शैलो फ्राई, इसको शैलो फ्राई किया गया है मसालों के साथ, तभी ऊपर एक ये परत बन गई है मसाले की है, और अच्छा खासा क्रिस्पी है, और रेड चिली का, करी लीव्स का, सबका बहुत अच्छा फ्लेवर है। मतलब ये देखा है मैंने कि चाहे यहाँ पे फिश फ्राई हो या फिर आपने चिकन फ्राई बनाया, देखने में लगता है लाल कि भयंकर तीखा होगा, लेकिन होता नहीं है, बहुत टेस्टी। आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। किन्न पत्थरी और साथ में चिकन कोकोनट पेपर रोस्ट पहले भी खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आनम पत्थरी भी बोलते हैं, और एक और नाम क्या बताया था आपने? कक्कर रोटी कुनी पत्थरी। मतलब कई नाम है इसके। वाह इसका टेस्ट अलग है, बहुत अलग टेस्ट है। ये जो ग्रेवी चिकन का बनाया है, ये टमाटर प्याज व्याज डाल के बनाया है ना, इसमें सब मसाला मिला के बनाते, बाद में इसमें
कोकोनट जो थोड़ा ब्राउन करके फ्राई करके वो जो ग्राइंड में मिक्सी में ग्राइंड करें बिल्कुल पेस्ट के जैसा बनाया वो फिर इसमें मिक्स करते हैं। आखिर जाके पकने के बाद थोड़ा धनिया पत्ता और उसके बाद फिर पत्री को मिला के मिला दिया पत्री इसमें डाल के थोड़ा और बॉयल करेगा फिर ढक्कन डाल के थोड़ा टाइम रखेगा क्योंकि इसका जायका स्मेल सब कुछ इसमें लेने का तो पत्री में टेस्ट आ जाता है हाँ बहुत बढ़िया ये भी सॉफ्ट बना हुआ है जो पत्री है मतलब इतना टेस्टी खाना मिलता है आपके नॉर्थ केरला में अभी नेक्स्ट टाइम साउथ केरला करेंगे इस साल सिर्फ हमने नॉर्थ केरला किया हर जगह पे खाना टेस्टी मिला हर एक जगह लेकिन स्नैक्स और ये ऐसे फूड फूड है ना और स्नैक्स इसके स्पेशल नॉर्थ है हाँ कैरिकेट कन्नूर तलचेरी कासरगोड थोड़ा सा ये जगह पे आपको हर नमूना आप कभी नहीं देखा हुआ ऐसा चीज़ यहाँ पे ये भी है आपको अगर मालाबार का क्यूजीन एक्सप्लोर करना है नहीं रूप में नहीं तो लोगों के घरों में जाना होगा है तब आप ये चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सही कहा बहुत सही कहा मतलब आपका एक्सपीरियंस से आप ये बता जी मतलब मैं तो कहीं नहीं खाया मतलब हो सकता है ये कहीं मिलता हो मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखा नहीं इसे इन सब चीज़ों को कहीं दुकानों में कहीं रेस्टोरेंट में इक्की दुक्की चीज़ें मिलती होंगी कहीं पे पेपर रोस्ट मिल जाएगा लेकिन ये फ्लेवर नहीं मिलेगा ये टेस्ट नहीं मिलेगा ये आनंद कोई आनंद पत्री कोई बनाता होगा लेकिन ये जो घर वाला टेस्ट है वो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा वो कभी नहीं मिलेगा तो वो टेस्ट मैटर करता है लेकिन नहीं और वो मतलब होम शेफ समीरा जी जैसे लोग ही बना सकते हैं और ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने खाने को 20 साल से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कुकिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं आप तब मतलब लोग आए तो उसे सीख भी सकते हैं थैंक यू समीरा मैम आपने हमें मौका दिया अपने घर पे आने का और हमें इतना उम्दा जायका दिलाया सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी हुई थी बहुत ही लजीज थी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ आप ऐसे ही अपने कल्चर को ट्रेडिशन को फूड को आगे बढ़ाते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए शुक्रिया पहले पैन में चीनी लिया हाफ ग्लास वाटर आधा ग्लास पानी मैदा में देसी घी मतलब चाशनी में थोड़ा स्टिकीनेस आ गया मतलब हो गया चलिए अब इसमें कोकोनट डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट इलायची चना का दाल ये सिर्फ पानी में भिगो के रखा है बॉइल्ड है वो तो पकना देर लगता है पहले पका के हाफ स्पून घी चाशनी कोकोनट चना दाल और इलायची सब मिला के मिक्सचर तैयार हो रहा है तो हम लोग बना रहे हैं स्वीट अड्डा हम इसका डो बनाएंगे डो बनाएंगे अब जो मैदा का डो बनाया है उसको रोल कर रहे हैं अब इसको गोल आकार में काट के अब इसमें स्टफिंग करेंगे
स्वीट अदा को कोकोनट ऑयल में तला जा रहा है। जब आप बना रहे थे ना, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कोई डिश हम लोग भी बनाते हैं, इसको बोलते हैं गुजिया। गुजिया होली त्यौहार जब आता है तब उस पर बनाते हैं। बस ये कि मतलब उत्तरी भारत में कोकोनट ऑयल का उतना इस्तेमाल नहीं होता है। फिलिंग सेम है? हाँ, शेप सेम है, फिलिंग अलग होता है। फिलिंग खोया डालते हैं, कहीं कहीं पे सूजी भी डाल देते हैं, लेकिन शेप यही रहता है। और वो भी एक तरह से फ्राइड मीठा है, मिठाई है। ये स्वीट अदा है, स्वीट अडा अडा, मेरे को डा बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आइए, हृदय निरन्ना संतोषम। थैंक यू सो मच। आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति, आत्मसंतृप्ति। हाँ, बहुत ही उम्दा बना है। बाहर से एकदम क्रिस्प है, करारा है, अंदर से चने का भी हल्का क्रंचीनेस और फिर घी का जायका, कार्डमम का जायका और कोकोनट का खुद का स्वीटनेस भी है, और फिर फ्राई भी कोकोनट ऑयल में हुआ है। तो एकदम हृदय निरन्ना संतोषम। क्या बात है। ये सर्वपल्ली पायसम है, ये इस मंदिर का प्रसाद है, और साथ में नई पायसम। पचड़ी, अवियल, रसम, सेविया पायसम, चपाती, बॉयल्ड राइस एंड पॉपड़म। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये लाइन मुझे याद आ रही है क्योंकि यहाँ पे हमें बुलाया नहीं गया है, हम सेल्फ इनवाइटेड हैं।